हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में पूछे गए हैं और इनके आंसर शायद ही आपको पता होंगे। तो चलो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, ओजन को किस रूप में दर्शाया जाता है, और इसका सही आंसर है O3, और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, जो कि GDP के अनुसार इंडिया का सबसे रिच यानी अमीर राज्य है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो जीके से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 80,000 अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है टंगस्टन। ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है, तो यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है सिंगापुर, जिस देश में एक भी खेत नहीं है और यहाँ पे खाने पीने की सारी चीजें जो है वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट की जाती है। लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्ण जो है उनके गुरु का नाम क्या है, तो दोस्तों जीके से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स की कैटेगरी में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, और इसका सही आंसर है सांदीपनी ऋषि। एक स्विस फ्रैंक यानी कितने रुपीस होते हैं, तो जीके से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको कोई भी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होता है, और स्विस फ्रैंक जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है उसकी आज की वैल्यू है लगभग 83 रुपीज। और दोस्तों ये करेंसीज के रेट हर दिन चेंज होते रहते हैं, तो कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाने से पहले ये सारे रेट जरूर चेक कर लो। कौन सा कंटिनेंट यानी खंड एक देश भी है, तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक कंटिनेंट यानी खंड भी है और एक देश भी है। MRP का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत सारे एग्जाम्स और इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड का फुल फॉर्म बताना होता है, और MRP का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स और इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका सही आंसर है मिस्टर झाकिर हुसैन खान, जो कि इंडिया के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, क्रिकेट बैट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि किसने इसका आंसर सही दिया। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चन जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन, IQ के क्वेश्चन और बहुत सारा जनरल नॉलेज शेयर किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।